प्रणाम। हाय उशामुद्दीन, मैं तो आगरा हूँ आप सबके बिन। वेलकम टू सत्य भैरव चैनल, आप देख रहे हैं सत्य भैरव चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले एक नए पिक्चर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुए। पिक्चर का नाम है पंगा। जी हाँ दोस्तों, पंगा। नाम सुनते ऐसा लगता है कि हम किसी झगड़ने वाले हैं, किसी लड़ाई झगड़े के बारे में। जी नहीं दोस्तों, जैसे पिक्चर जो है एक बायोग्राफी के बेस पे है, जिसमें एक कबड्डी प्लेयर के बायोग्राफी के बेस में, जो ऐसी कबड्डी प्लेयर, एक फीमेल कबड्डी प्लेयर, जैसे इस पिक्चर में जो लीड रोल कर रहे हैं, एक हीरोइन कह सकते हैं, वह कंगना राउत, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टाफ की तरह रेलवे डिपार्टमेंट में काम करती है, और उनके हस्बैंड जो होते हैं इस पिक्चर में हस्बैंड के रोल कर रहे हैं, वह जस्सी गिल, जो पंजाबी के फेमस एक्टर और एक सिंगर भी है, उनके हस्बैंड के रोल कर रहे हैं, वो भी रेलवे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जैसे एक कबड्डी प्लेयर, एक पुराने कबड्डी प्लेयर रह चुकी होती है कंगना राउत, और इन्हें एक रेलवे में नौकरी मिल जाता है, और इन रेलवे की नौकरी करती है, और अपना कबड्डी खेलने की जो मन में चाहत होता है उसे ऐसे भूल जाते हैं, क्योंकि उनका परिवार हो जाता है, खुद का एक परिवार होता है, उनका एक बच्चा पैदा होता है, इसलिए बच्चों की देखभाल करने के लिए, अपने परिवार के लिए अपना सपना सब कुछ साकार नहीं कर पाती, और उसे छोड़ के अपने परिवार के उसका ध्यान जाता है। फिर अचानक उसे देखने को मिलता है कि काफी बच्चों को कबड्डी प्लेयर को रेलवे स्टेशन में देखते हैं, उनको सम्मान लगता है कि मुझे भी वापस कबड्डी खेलना है, और मैं कबड्डी प्लेयर रह चुकी हूँ, और मुझे वापस कबड्डी खेलना है और अपने देश के लिए खेलना है, और जबकि उनकी चाहत वापस दिलो दिमाग में जाग जाता है, और उन्हें वापस खेलने का उन्हें मन करता है। सो स्टोरी जो इस तरह है, और बाकी पिक्चर के डायरेक्टर ने काफी अच्छा डायरेक्ट किया और काफी अच्छा प्रेजेंट किया है, और पिक्चर में सपोर्टिंग रोल के जो एक कोच की तरह हुआ है ऋचा चड्ढा, और नेहा गुप्ता जो इसमें उनकी माँ की रोल करी है, बाकी काफी अच्छे उन्होंने सपोर्टिंग एक्टिंग की है, और दूसरे सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी, जिन्होंने भी काफी अच्छे एक्टर है और काफी अच्छे सपोर्टिंग एक्टर, उन्होंने भी काफी अच्छी एक्टिंग की है, और राजेश तिलम, और भी उन्होंने काफी अच्छा सपोर्टिंग एक्टर, उन्होंने काफी अच्छा एक्टिंग किया है, बाकी काफी अच्छा है डायरेक्टर, उन्होंने काफी अच्छे प्रेजेंट किए, डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी, जिन्होंने काफी अच्छा प्रेजेंट किए हैं, एक अच्छा स्टोरी और एक चित्र प्रेजेंट किया है जिसे प्रेजेंट करना चाहिए, और जितने भी एक्टर्स और सपोर्टिंग एक्टर्स, उन्होंने काफी अच्छा एक्टिंग किया, अपने अपने किरदार को काफी अच्छा उन्होंने निभाया है, और ये दरअसल रिलीज हुई फॉक्स स्टार स्टूडियो बैनर में। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है। पंगा का मतलब सिर्फ अपने हालात से पंगा लेना, खुद से पंगा लेना, खुद को बदलने के लिए पंगा लेना, अपने मन में जो चाहत है उसे पूरी करने के लिए पंगा लेना, बस यही चाहते उन्होंने इस पिक्चर कहना चाहते इस पिक्चर के डायरेक्टर में। बाकी काफी अच्छा है इस पिक्चर का डायरेक्शन, ने काफी अच्छा डायरेक्ट किया, और बाकी काफी अच्छा स्टोरी भी काफी अच्छा है, और बाकी देखने लायक है पिक्चर। कंगना राउत का एक्टिंग बाकी काफी अच्छा है, डायरेक्टर ने काफी अच्छा यूज किया है एक्टर को, और काफी अच्छा एक्टिंग भी किया उन्होंने, बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, परिवार के साथ देखने लायक है, और सैटरडे संडे में काफी अच्छा, अगर कोई पिक्चर देखना चाहते हैं तो बाकी पिक्चर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और मेरे चैनल सत्य भैरव चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि रूबरू में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको रूबरू खबर होता रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।